जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ लगातार मजदूर अपनी समस्याओं को लेकर बने हुए हैं और अभी अभी अधिकारी भी आए हैं और वह इन्हें पूरी तरीके से आश्वासन दे रहे हैं कि हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मगर सोचने की बात यह है कि किसी कंपनी में लगातार 4 साल 5 साल तक जो मजदूर कार्य कर रहा हो उसे कोई न कोई बहाना बनाकर उसे नौकरी से निकाल देना या उसे स्थानीय या बाहरी का बताकर उसे कहीं ना कहीं बाहर भेजने के नाम पर उसे मजबूर करना कि वह अपनी नौकरी छोड़ दे या फिर यहाँ से बाहर जाए, यह कहाँ तक उचित है? आइए कुछ मजदूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं जो कि लगातार यहाँ पर धरने पर बने हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। आपका नाम? हमारा राम मिलन पटेल। आप कब से यहाँ पे हैं? हो गया 7 महीने से। अभी धरना आप लोग जो दिए हुए हैं ये कब से है? वो तो चल रहा है सर, वो 2-3 दिन से। 2-3 दिन से आप लोग लगातार बने हैं। अपनी किन किन समस्याओं को लेकर आप लोग यहाँ हैं? सर ये क्या है कि हम लोग को 4 साल के काम के लिए यहाँ लिया गया था। अभी इसमें कभी बोल रहे हैं 26 हाजिरी करो, कभी 24 हाजिरी करो, और कि यही बता रहे हैं कि 300 आदमी कम होगा, निकाला जाएगा, ये सब चल रहा है सर, अभी क्या बोले। तो अचानक से ही बता रहे हैं कि निकालना पड़ेगा? नहीं सर, लेटर तो दिए है, 1 महीने का टाइम दिए हैं जी। हाँ, 1 महीने। तो वजह क्या इन्होंने बताई कि आप लोगों को यहाँ पे काम नहीं करना है? अब वजह सर NCL की वजह बता रहे हैं। क्या वजह? ब्लास्टिंग और बारूद की वजह से नहीं मिल रहा है, इसके वजह से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने बताया कि वजह जो है बताया जा रहा है कि ब्लास्टिक की कमी होने के कारण 300-350 लोगों को निकाला जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि लगातार 350 परिवार जो कि लगातार यहाँ पे कार्य कर रहा है, जिनके घर का चूल्हा यहाँ के कार्यों से जल रहा है, जो यहाँ पे लगातार बने हुए हैं, अचानक से उनके ऊपर अगर नौकरी जाने का घास गिरे तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। इसलिए मजदूर यहाँ पे लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे जिन्हें इस घटना के बारे में पूरी तरीके से जानकारी हो, जो हमसे पूरी तरीके से बात कर सके। चंदन पटेल सर, ये जो लगातार मजदूर बने हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर, किस लिए, कुछ इसके बारे में बताइए आप। वही एक्सप्लोजिव का शॉर्टेज है, एक्सप्लोजिव मिल नहीं रहा है, इससे हमारा काम बंद पड़ा हुआ है। तो लगातार जो 300-350 मजदूरों को बाहर निकालने की बात की जा रही है? 300 को कोई फिक्स नहीं है, 300 निकालना है, ठीक है ना। अभी 100 पे चर्चा हो रही है, उसी पे चर्चा हो रही है, बस हो गया। तो इन मजदूरों को क्या कहकर निकाला जा रहा है? हम दूसरे प्रोजेक्ट में इनको ट्रांसफर देने की कोशिश करेंगे, जितने भी हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट है दूसरे दिलीप बिल्डगांव के, उस पर हम ट्रांसफर देने की कोशिश करेंगे। मतलब जो निकालने की बात आ रही है, इन्हें काम से हटाने की बात आ रही है, वह आप मानते हैं कि सही नहीं है? ये कैसे बोल दूं मैं, सही नहीं है। अब जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, कोई भी कंपनी है, कंपनी तो बैठा के किसी को पैसे देती नहीं है। जहाँ पे जिस प्रोजेक्ट पे ज़रूरत होगी हमें, उस प्रोजेक्ट पे उनको भेजा जाएगा, उनकी रोजी रोटी नहीं छीनी जाएगी हमारी तरफ से। मतलब आपके तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो प्रोजेक्टों में जहाँ भी जगह है जी, जहाँ भी काम चल रहा है हमारा, वहाँ पे अपना वो करते रहेंगे। तो क्या आपने इन मजदूरों से सारी बातें की, ये चीज़ बताया इन्हें आपने? अभी वही चल रहा है, यहाँ पे जो चर्चा हो रही है, हमारे GM साहब चल रहे चर्चा कर रहे हैं, सीनियर GM भी हैं कंपनी के, जो हमारे उच्च पदाधिकारी हैं वो चर्चा कर रहे हैं आपस में जी, मजदूरों के साथ, लेबरों के साथ, जो भी है। फिर भी एक तरफ देखा जा रहा है कि आप के द्वारा जैसे कहा जा रहा है कि मजदूरों का जो रोजगार है वो छीना नहीं जाएगा, लेकिन ये लगातार घंटों से बैठे हुए मजदूर जो हैं, उनका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो अभी उनका कन्फ्यूजन दूर किया जा रहा है, ठीक है ना। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अधिकारियों का कहना है कि मजदूरों का रोजगार उनसे नहीं छीना जाएगा, फिर भी मजदूर यहां पर बता रहे हैं किसी गलत फहमियों के कारण बैठे हुए हैं। आइए कुछ मजदूरों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि उनकी गलत फहमियां हैं या अधिकारियों द्वारा उन्हें किसी न किसी तरीके से मोड़ा जा रहा है उनके कार्यों से। Make happy your feet with our brand with SS Footwear, Bairam का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स, ऑल एक्सेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैरन बिंदनगर रोड धोदी, वैरन सिगरौली मध्य प्रदेश। फोन नंबर 9425177049, 9798595115। चाय,
हर खूट में स्वाद, दाए सुट्टा बार, CSB बैढ़न, सिंगरौली जिले में पहली बार, सारे फ्लेवर की चाय और बेस्ट सर्विस के साथ 100 से अधिक आउटलेट पूरे मध्य प्रदेश में, फैमिली और कपल्स कैफे, पता है बिंद नगर रोड टाइगर इन होटल के सामने, बैढ़न सिंगरौली मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर 6260540078। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।